झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी की कोर्ट ने एक्का को 7 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल सजा बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिलीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे। ईडी के स्पेशल जज अनिल कुमार मिश्रा ने फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया है। दरअसल पूर्व मंत्री एनोस एक्का 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराए गए थे। 21 मार्च को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते 4 बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी थी। इस मामले में ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में ईडी ने 57 गवाहों के बयान दर्ज कराए। वहीं पूर्व मंत्री ने अपने बचाव में 70 गवाहों को पेश किया था। एनोस एक्का के खिलाफ उनकी पत्नी मेनन एक्का और जयकांत 12 सरकारी गवाह बने थे। इससे पहले इसी साल 25 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। फिलहाल एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के 5 सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची के होटवार जेल में 7 साल की सजा काट रहे हैं। न्यूज डेस्क।